हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। वो कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और वही मुझे कहीं ना कहीं नजर आई कॉफी विद करण के सीजन 7 के 13th एपिसोड पे। देखो, बहुत से लोग जो हैं इसे कनेक्ट नहीं करेंगे। उनकी जो लाइफ स्टाइल है ग्लैमरस है, और जिस तरीके के इशूज वो फेस करते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग है। आपको बिल्कुल एक परफेक्ट चेहरा, एंटरटेनिंग चेहरा, कुछ अलग अलग न्यूज़ में बनाता हुआ चेहरा आपको दिखाना पड़ता है लोगों को, तो थोड़ा प्रिटेंशियस सा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ अनकवर हो गया, जिसके अंदर 13th एपिसोड के अंदर तन्मय भट्ट दिखे, निहारिका दिखी, दानिश दिखा, कुश कपिला दिखी, और ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट थे एक के साथ। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हाईलाइट वो ये थी कि करण जौहर कैन टेक जोक्स ऑन हिमसेल्फ। ओके, तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और जैसे वो सब लोग उसके बैंड बजा रहे थे, ही अंडरस्टैंड्स हु ही इज। ओके, ही अंडरस्टैंड्स हिज पॉजिटिव्स हिज नेगेटिव्स, और अगर कोई उसकी खिंचाई भी कर रहा है तो ही टेक्स इट इन गुड स्पिरिट। ये मुझे अच्छा लगा। बाकी बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से अवार्ड सिस्टम भी शुरू हुआ, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग लगा रहा था। और अगर आपको लगता है ना कि बेस्ट मोमेंट्स देखने हैं कॉफ़ी विद करण के, तो दिस इज़ द एपिसोड टू गो आफ्टर, बिकॉज इट हैज़ गॉट मोमेंट्स फ्रॉम ऑल द एपिसोड्स ऑफ एपिसोड नंबर 7, एंड इट इज़ ग्रेट टू सी द मोस्ट ह्यूमरस आई वुड से सीन्स फ्रॉम ईच ऑफ दीज एपिसोड्स। सो बहुत एंटरटेनिंग है, मज़ेदार है, और मज़ेदार बना देता है ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं सोटू से, वो और ज़्यादा मज़ेदार डालते हैं, क्योंकि दे आर जस्ट पुटिंग दैट स्पाइसेस ओवर इट। तो काफ़ी मज़ेदार है। जो विनर्स थे इसके अंदर वो भी एंटरटेनिंग थे, और क्यों वो एंटरटेन कर रहे थे उसके रीजन के साथ सबने एक्सप्लेन किया। तो ऐसा नहीं है कि अवार्ड दे दिया, बट वाई समबडी हैज़ गॉट दैट अवार्ड इज ऑल्सो डिस्कस्ड फुली। सो काफ़ी एंटरटेनिंग है, और साथ ही साथ में इसका जो सीजन 8 भी बहुत जल्दी आ जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो दैट इज ऑल्सो of the announcement that has been made। 6-7 months ke gap ke andar hi dusra bhi aa jayega, to bahut acha hai। Pehle kafi zyada lamba wait karna pada, बट ठीक है, वो वेट ज़रूरी भी था आई थिंक, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग खफा थे एक्टर्स से, और जितना ज़्यादा वो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे थे उतना ज़्यादा लोग और इरिटेट हो रहे थे। नाउ आई थिंक पीपल हैव सेटल्ड डाउन अ बिट, एंड दे आर स्टिल देन अगेन पॉजिटिव अबाउट दे डूइंग गुड मूवीज, लेसर रीमेक्स। ये जो हवा है सारी नेपोटिज्म एंड ऑल ऑफ दैट, दैट इज ऑल्सो ड्राइड डाउन अ बिट आई वुड से, फॉर अ सर्टन सेगमेंट एट लीस्ट। बाकी लोग तो जो नारे लगा के घूम ही रहे हैं, वो तो घूम ही रहे हैं। तो ओवरऑल बेसिस पे काफ़ी एंटरटेनिंग लगा, काफी मजेदार लगा। क्लियरली द बेस्ट एपिसोड ऑफ सीजन 7। आपको कैसा लगा? देखो, अगर अभी तक नहीं देखा है तो काफी बढ़िया है। चलो फिर जल्दी मिलते हैं।